नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले कुछ महीनों से चीन की शह पाकर भारत को आंख दिखा रहे मालदीव को अब भारत ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। अपने मुल्क में मौजूद भारतीय सैनिकों की टुकड़ी को वापस भेजने की जिद पर अड़े मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू अब मालदीव में मौजूद भारत के एविएशन प्लेटफॉर्म्स को तो बरकरार रखने के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन भारत ने अब मालदीव को अपनी ताकत का एक बड़ा नज़ारा दिखाने का फैसला किया है। दरअसल मुइजू सरकार ने अपने पोर्ट पर श्रीलंका के जासूसी जहाज को लंगर डालने की इजाज़त दी है, जो जल्द ही मालदीव पहुंचने वाला है। लेकिन उससे पहले ही भारत ने अपने और मालदीव के एक और पड़ोसी मुल्क यानी श्रीलंका में इंडियन नेवी की एक पनडुब्बी को भेजकर मालदीव के साथ साथ चीन को भी संकेत दे दिया है। हिंद महासागर में भारत की ही चलेगी और हिंद महासागर का सिकंदर तो भारत ही है। श्रीलंका के स्वतंत्रता दिवस के समारोह से पहले भारत की पनडुब्बी वहां पहुंची है। भारत की पनडुब्बी INS करंज 2 दिन तक श्रीलंका में रहेगी और श्रीलंका की नेवी उसका स्वागत कर रही है। भारत की पनडुब्बी का श्रीलंका पहुंचना कितना बड़ा संदेश है ये बताने से पहले हम आपको श्रीलंका पहुंची भारत की इस पनडुब्बी यानी INS करंज की ताकत से रूबरू करा देते हैं। INS करंज स्कॉर्पियन क्लास की कैटेगरी की तीसरी पनडुब्बी है। ये एक स्वदेशी पनडुब्बी है जिसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। ये पनडुब्बी अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती है। पनडुब्बी 67.5 मीटर लंबी और 12.3 मीटर ऊंची है। इसका वजन 1,565 टन है। पनडुब्बी टारपीडो और एंटी शिप मिसाइल से हमला करने और रडार को चकमा देने में सक्षम है। भारत की इस पनडुब्बी के पास वो क्षमता है कि वो पानी के अंदर ही ऑक्सीजन बना सके, इस कारण वो लंबे समय तक पानी में रह सकती है। मालदीव में चीनी जासूसी जहाज से पहले भारत की पनडुब्बी की श्रीलंका में मौजूदगी इस बात का इशारा करती है कि मालदीव भले ही भारत को नीचा दिखाने के लिए चीनी जहाज को बुला ले, लेकिन चीन के लिए भारत की समुद्री ताकत को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं है। और ख़ास तौर से इस पनडुब्बी का श्रीलंका जैसे देश में पहुँचना भारत और श्रीलंका के मजबूत रिश्तों की एक नज़ीर है। ये वही श्रीलंका है जो चीन के कर्ज के जाल में उलझा हुआ है और चीन इसका फ़ायदा उठाकर श्रीलंका के पोर्ट्स पर अपने जासूसी जहाजों को ठहराया करता था। लेकिन भारत के विरोध के बाद श्रीलंका ने अपने पोर्ट्स पर चीनी जासूसी जहाजों के रुकने पर 1 साल की पाबंदी लगा दी। यही वजह है कि चीन ने अब अपने नए दोस्त यानी मोहम्मद मुइजू के मुल्क मालदीव में अपने जहाज को रुकवाने का इंतजाम कर लिया है। चीन के जो रिसर्च करने वाले ये जो जहाज हैं वो इस इलाके में सर्वे करके अपने मुल्क की पनडुब्बियों के नेविगेशन के लिए मैपिंग का काम करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं ताकि अगर कोई युद्ध छिड़े या कोई आपातकालीन स्थिति आए या उनकी नेवी कोई ऑपरेशन करे तो उस वक्त उनकी पनडुब्बियों को सटीक रास्ता और जानकारी और डेटा मिल सके। यही नहीं, चीन के जहाज सर्वे के अलावा जासूसी करने वाले इक्विपमेंट से भी लैस होते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की जो रेंज है, अगर वो श्रीलंका में रुकते हैं या मालदीव में रुकते हैं तो इनकी रेंज में साउथ इंडिया में मौजूद भारत की नेवी के कई बड़े ठिकाने आ जाते हैं। इसरो के भी सेंटर इनकी रेंज में आ जाते हैं। दरअसल हिंद महासागर वो इलाका है जहां चीन अपनी ताकत को मजबूत करने की फिराक में कई सालों से जुटा हुआ है। चीन के इंटरनेशनल व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंद महासागर के समुद्री मार्ग से गुजरता है। चीन को इस बात का हमेशा खतरा रहता है कि अगर भारत के साथ तनाव बढ़ा और युद्ध जैसे हालात बने तो इंडियन नेवी हिंद महासागर में नाकेबंदी करके चीन के व्यापार और खासतौर से खाड़ी के देशों से होने वाले एनर्जी इंपोर्ट की सप्लाई को ठप कर सकती है। लिहाजा चीन इस इलाके में अपनी नेवी के ठिकाने या नेवल बेस जिसे कहते हैं वो बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसी मकसद के तहत उसने पहले श्रीलंका पर डोरे डालकर उसे अपने कर्ज के जाल में फंसाया, लेकिन पिछले साल आए आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका चीन की बजाय भारत के ज़्यादा करीब आ गया है। लिहाजा चीन अपने इस इलाके के एक और छोटे मुल्क मालदीव को अपना ठिकाना बनाने की योजना पर अमल कर रहा है। पिछले साल चुनाव जीतकर मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने मोहम्मद मुइजू को चीन का ही मोहरा माना जाता है। मुइजू ने परंपरा को तोड़ते हुए भारत की बजाय अपनी पहली स्टेट विजिट चीन की ही की और दोनों देशों के बीच 20 समझौते भी हुए। चीन से लौटने के बाद से ही मुइजू लगातार भारत विरोधी बयान भी दे रहे हैं। जाहिर सही बात है, मुइजू अपने मुल्क को भारत से दूर और चीन के करीब ले जाने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, लेकिन भारत ने अब मालदीव को ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। अंतरिम बजट में मालदीव के लिए जो अभी अंतरिम बजट पेश हुआ उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था उसमें मालदीव के लिए वित्तीय सहायता में 22% की कटौती की गई। मालदीव की टक्कर में लक्षद्वीप को
बीच टूरिज्म के लिए विकसित करने के लिए ऐलान किया गया, यानी वहां भी पैसा लगाया जाएगा और श्रीलंका में पनडुब्बी भेजकर कड़ा संदेश भी दे दिया गया है। अब देखना होगा कि मुइजू की सरकार भारत के इस कठोर रुख से कोई सबक लेती है या नहीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। नमस्कार।